सुनील सर, द मेंटर मनीष सर एंड द प्रिंसिपल मिसेस विभा कुमारी एंड ऑल द पेरेंट्स, गार्जियन एंड माय डियर स्टूडेंट्स. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू द फैमिली ऑफ SEPS. Give me the opportunity to say something in front of you. Are you comfortable in English or Hindi? I think Hindi. यहाँ पे मौजूद सभी अभिभावक गण, मेरे प्यारे बच्चों और इस विद्यालय के जो फैमिली मेंबर है, उन सभी को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं जिसने मुझे इस मंच पर न्योता दिया और आपके समीप दो शब्द बोलने का मौका दिया. धन्यवाद. और मैं सबसे पहले आप सभी को एक बात बताना चाहता हूं, यहां जितने भी अभिभावक मौजूद हैं, मेरे ख्याल से सारे लोग एक मध्यम वर्ग से बिलोंग्स करते हैं और हमारे लिए एक सबसे बड़ी चुनौती होती है हमारा शिक्षा. और मैं देख रहा हूँ पीछे कुछ बच्चे हैं, कुछ अभिभावक हैं, मैं उनसे आग्रह करूँगा कृपया करके मेरे बातों को थोड़ा ध्यान से सुनेंगे. आपका यह विद्यालय स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल, इनका एक और एक ब्रांच जो कि गोमो में मौजूद है जिनका नाम है GM पब्लिक स्कूल, मैं पुनः आग्रह करूंगा सारे लोगों को, प्लीज़ आप लोग थोड़ा शांति बनाए रखेंगे. आपका कोऑपरेशन और आपका सहयोग अपेक्षित है. हम एक विद्यालय चलाते हैं, उसमें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बात समझाता हूँ. आप लोगों ने एक गाड़ी देखे हो, गाड़ी जिसके चार पहिया होती है, गौर फरमाइएगा. आप लोगों ने एक कार या कोई फोर व्हीलर देखे होंगे जिनमें चार पहिया होती है जो पूरी तरीके से गाड़ी को चलाने में सहयोग प्रदान करता है, अहम भूमिका निभाती है. उसी तरीके से किसी भी बच्चों से अनुरोध है कृपया शांति बनाए रखें. उसी तरीके से किसी भी संस्था को चलाने के लिए चार स्तंभ बहुत ही जरूरी है और ये चारों स्तंभ एक दूसरे से अनुपूरक होते हैं. और मैं चार स्तंभ का बात इसलिए कर रहा हूँ, अगर ये विद्यालय पूरी तरीके से खड़ी है उसमें एक चार स्तंभ होती है. चार स्तंभ में सबसे पहला स्तंभ होती है हमारा मैनेजमेंट, दूसरा एक पिलर जो होती है वो है हमारा स्टाफ, उनके बिना भी स्कूल चल नहीं सकती है. तीसरा है आपका हमारे बच्चे, बच्चे नहीं तो स्कूल नहीं, स्कूल नहीं तो अभिभावक नहीं. और जो सबसे आखिरी और सबसे जो मजबूत पिलर होती है वो है हमारा अभिभावक. इन चारों का सहयोग एक दूसरे के वजह से ही एक कोई भी संस्था पूरी पूर्ण रूप से खड़ी होती है और चलती है, जिसमें अभिभावक का सहयोग अपेक्षित है. मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ, ये अक्सर देखा जाता है कुछ कुछ अभिभावकों का एक शिकायत अक्सर स्कूल में आता है, सर मैंने तो स्कूल में बच्चे डाल दिए, आपका जिम्मेवारी है. नहीं, आप जब भी स्कूल में या किसी भी विद्यालय में आप बच्चे को डालते हो आपका जिम्मेवारी शुरू हो जाता है. तो आप अपने जिम्मेवारी से भागे नहीं. आप यहाँ देखेंगे स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटीज ऑफ क्राइटेरिया, इसमें बहुत सारे अभिभावक हैं जो कि मुझे लगता है कि 70% ऑफ द गार्जियंस आर बिलोंग्स टू माइनॉरिटी और मिडिल फैमिली. आप लोग मिडिल फैमिली से आते हैं और आपके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है. जैसे यहाँ पे दिया गया है फ्री एडमिशन, आप इनका फायदा उठाइए. आपके इस ग्रामीण सब क्षेत्र में अगर ये विद्यालय आपको ये एक अपॉर्चुनिटी दे रही है कि ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट
स्टूडेंट्स गेट फ्री एडमिशन। तो आप आए और इस विद्यालय में उसका लाभ उठाएं। आपका दूसरा है 40% ऑफ इन मंथली फीस, द कैंडिडेट स्कोर बिटवीन 86 to 100%। आप अपने बच्चे को स्कॉलरशिप टेस्ट में अपियर करवाइए और साथ में आप अपने मासिक शुल्क या जो भी इस मैनेजमेंट ने डिसाइड किया है उसका एक लाभ उठाइए। तीसरा है 30% ऑफ इन मंथली फीस, जो बच्चे 70 to 80% लाते हैं। और लास्ट एक BPL, आप लोग एक बात तो जानते होंगे, BPL हमारा एक देश में एक नियम बना हुआ है, RTE, राइट टू एजुकेशन। ये सारे लोग को नहीं पता है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि राइट टू एजुकेशन का एक अधिकार होता है, शिक्षा का अधिकार। हम सभी को शिक्षा लेने का अधिकार है, चाहे वो गरीब परिवार से हो, अमीर परिवार से हो या मध्यम परिवार से, सारे को शिक्षा का अपना एक अधिकार होता है। और एक शिक्षा रूपी हथियार से ही आप आगे की ओर बढ़ सकते हैं। और अगर ये विद्यालय आपको ये अपॉर्चुनिटी दे रही है तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि आप इसका ग्रैब करें, उसको पकड़ने का कोशिश करें। ये आप में वो टैलेंट होना चाहिए। और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ कि जिस पेरेंट्स में या जिस बच्चे में टैलेंट है तो ये विद्यालय या हमारा विद्यालय दोनों ही एक कोलैबोरेट करती है, जो उस बच्चे को और टैलेंट को बढ़ाता है। और साथ में वैसे बच्चे निराश नहीं होंगे। मैं कहानी आप लोगों को सुनाता हूँ, थोड़ा गौर फरमाइएगा। एक क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए थे, थोड़ा सा गौर से सुनेंगे आप लोग, पेरेंट्स के लिए ये चीज़ है। बहुत लोग सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो सर कमज़ोर है, हमारा बच्चा कुछ नहीं बोल सकता, हमारा बच्चा बहुत ही मतलब दातुन के दिमाग में कंफ्यूजन से भरा हुआ रहता है, सर कैसे होगा। तो एक मैं थोड़ा छोटा सा कहानी सुना रहा हूँ, थोड़ा सा गौर से फरमाइएगा। एक विद्यालय के किसी क्लास में कुछ बच्चे बैठे हुए थे, उसमें से कुछ बच्चे का नाम इस प्रकार से था। किसी बच्चे का नाम 0 था, किसी का 1 था, किसी का 2 था, इस तरह से लेकर उस क्लास में 9 तक नामांकित बच्चे थे जिनका नाम 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9। अचानक से एक बच्चे ने उठकर जिनका नाम था 9, उसने एक बच्चे को तमाचा लगा दिया। तो 9 वाले जिसे तमाचा लगाए तो वो क्या हुआ, वो डर के 8 वाले को तमाचा लगा दिया। 8 वाले ने जब देखा कि 9 वाले ने 8 को लगाया तो 8 वाले ने 7 को तमाचा लगा दिया। इस तरह से वो सिलसिला चलते हुए आकर 1 में समाप्त हो गया। और लास्ट में क्या हुआ, 0 जो बचा, उसमें बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स को लगता है कि हमारे बच्चे 0 है। तब उस क्लास में उसके वो जो क्लास टीचर थे वो आए, वो सारा कहानी को सुने और उनसे पूछा गया कि आपने ऐसा क्यों हुआ। वो सारा कहानी को बताया गया कि सर उसने ऐसा ऐसा किया। तो वो शिक्षक ने बोला कि 0 आप जाइए 1 के बगल में बैठ जाइए। जैसे ही वो 0 1 के बगल में बैठा तो 0 क्या हो गया, 10 हो गया। तो 10 ने तमाचा लगाया किसको, 9 को। इस कहानी से क्या आप लोगों को पता चला, कोई भी कमजोर नहीं है। आप अभी और कमजोर नहीं है, अपने आप को कमजोर नहीं समझिए। अगर आप कमजोर समझते हैं तो स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल आपके बगल में खड़े हैं। धन्यवाद, गुड नाइट।